कल मैंने पोस्ट किए हैं, लीबिया ने उनके संसद भवन को जला डाला। श्रीलंका के बाद, पाकिस्तान के बाद, अब लीबिया जो है उसने उसके संसद को जला दिया है। मैंने आपको बोला ना, भारत दो कदम पीछे है, दो कदम पीछे है भारत। भारत को उस इन्फ्लेशन पे जाने से कोई नहीं बचा सकता है। ये लोग, आप लोगों को एक भांग गोली आपको खिला दिया है हिंदू मुस्लिम का, और उसी में आप इतने बिजी है उसके अंदर। 15 दिन आप भूल गए हिंदू मुस्लिम, जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में एकनाथ शिंदे साहब का जो चल रहा था डाइवर्जन इशू, उसमें आप बिजी थे तो आप वो भूल गए हिंदू मुस्लिम। मगर अब जैसे ही वो खत्म हो गया है, वो फिर से चालू हो गया है, हिंदू मुस्लिम फिर से चालू हुआ है। और ये भारत को एक ऐसे वक्त में लेके जाएगा, ऐसे जहर घोला जाएगा सोसाइटी में। और आप लोगों का जो बेसिक है, अब गेहूं मिलना आपको राशन में बंद होने वाला है। कल ही न्यूज़ आया है, तांदूल जो है वो 40% उसका जो बुआई रहती है, 40% जो बुआई रहती है वो जून में हो जानी चाहिए, उसमें 28 हुई नहीं है, वो हुई नहीं है। तो गेहूं और चावल, ये दोनों चीजों का अगले कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त इन्फ्लेशन। मैं आपको नवंबर में कहा था कि आज जो तांदूल का रेट चल रहा है 60 से 65 रुपए, वो याद रखिए दिसंबर के बाद में वो बहुत बढ़ेगा। तो आज के घड़ी में जो 60 रुपए का जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो तांदूल था, राइस था, 60 रुपए की था, वो आज 150 रुपए क्रॉस कर रहा है। और मैंने कहा था उनके बाद में 250 के पार भी जा सकता है, ये जून में 250 के पार भी जा सकता है। तो अब जो बुआई है वो 28% हुई नहीं है, और जो कुछ हुई है 12%, वो ये जो हेवी रेनफॉल होने वाला है इसमें वो बह के जाने वाली है। और चावल सिर्फ 12 दिन का था, उसमें 4 दिन गए, मतलब 8 दिन का ही बचा है भारत के पास। गेहूं 70 दिन का के पास है, इसलिए इन्होंने राशन में, फ्री राशन में जो गेहूं देने और चावल देने की बात थी, अब वो नहीं करने वाले हैं। ऊपर से अब ये क्या करने वाले हैं, राशन में आपको जो है गरीबों को वो सब्जियां भी देने वाले हैं, क्योंकि जो महंगाई आने वाली है उस महंगाई में ये जो गरीब है ना, इन्हीं से अपेक्षा है कुछ आंदोलन की, कुछ चेंजेस की, कुछ रिफॉर्म करने की। कॉमन आदमी से, मिडिल क्लास लोगों से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। उनका ब्रेड एंड बटर में ही जिंदगी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, घर के किस्ते, बैंक के किस्ते, गाड़ी के किस्ते, बच्चों के स्कूल के किस्ते, इनसे क्रांति नहीं होगी। मिडिल क्लास लोगों से मेरे को अपेक्षा नहीं है। जो कोई अपेक्षा है वो मजदूर, कामगार, किसान, इन तीन लोगों से मेरे को अपेक्षा है। और इन्हीं लोगों को आंदोलन ना करे, इन लोगों को रास्तों पे ना निकले, इसलिए इस सरकार ने इनको लॉलीपॉप दिए हैं। एक दिया है 6,000 रुपये साल का किसानों को लॉलीपॉप, सेकंड ये जो है इनको राशन में फ्री राशन देना। अब जब इनको आदत लगा दी है फ्री राशन की, इनको काम को या मजदूरों को, इनको किसानों का, किसान जो है काम करने वाले देहा उनके मजदूर, उनको जान पे आ रहा है काम करने को, काम नहीं कर रहे हैं। किसानों को आप पूछ लीजिए, उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, ईमानदारी से काम करने वाले मजदूर अब नहीं रहे।
तो ये जो है इनको जो आदत लगा दी है, ये आदत अब ये इनको राशन नहीं मिलेगा, ये राशन नहीं मिलेगा तब इनकी अकल ठिकाने में आएंगी। इनको राशन के नाम के ऊपर राशन, अगर आपको राशन चाहिए तो पनीर टीका लो, इनको पनीर टीका लगवाया क्यों उस लॉलीपॉप में, क्या आपको राशन मिलेगा फ्री में अगर आप टीका लगवा लोगे तो यही जो उनका सब जन को समझेगा कि हमें तो बेवकूफ बना के टीका लगवा दिया, अब राशन नहीं मिलने वाला है। इनको इन्होंने सब लोगों को कंसीडर किया है, कंसीडर। हाँ ठीक है, क्या होता है देख लेंगे, क्या कर लेंगे। यही बात मैं आपको समझा रहा था इतने दिनों से, भाई साहब ये होने वाला है आपके साथ, भाई साहब ये होने वाला है आपके साथ। आप लोगों को मजाक लग रहा था, डॉक्टर बोलता है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है, सरकार हमारी है। हाँ सरकार हमारी है, बदल गई ना भाई साहब सरकार, एक रात में सरकार गिर गई महाराष्ट्र में। तो ये सरकार उनको लगता है तुम्हारी है, तुम्हारी तुम्हारी है, ये कोई किसी का नहीं है, ये सब सत्ता के भूखे लोग हैं। इनको पता नहीं है ये जो 50-50 करोड़ रुपए के लिए इन्होंने ये जो किया है ना खेल, ये 50-50 करोड़, बस मैं पहुंच गया हूँ, मुझे 1 सेकंड दीजिए, ये थोड़ा पार्किंग का हमेशा रहता है, अब आइए। तो ये जो है ना, इस बात को आप समझिए, ये सरकार है जो है आपको आपको बेवकूफ बना के बैठी हुई है। ये अगले कुछ दिन,